रहता है, ऐसे व्यक्ति की प्रज्ञा स्थित है, उसको स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। ये सूत्र है, साधना के सूत्र है। तो भगवान पहले क्या कहते हैं कि पार्थ देख मनोगतान सर्वान कामान। गीता में आप देखेंगे बार बार भगवान कामना त्याग की बात कह रहे हैं, कर्म त्याग की बात आपको कहीं नहीं मिलेगी गीता में। कर्म छोड़ना चाहिए ऐसा नहीं कहा, जो विकर्म है निषिद्ध कर्म है उनको छोड़ना है वो अलग बात है, किंतु उसको छोड़ के शुभ कर्म तो करना ही है। तो ये विशेष गीता का जीवन दर्शन है जिसकी ओर हमें ध्यान देना चाहिए, और वो ये है कि जीवन में कामनाओं का त्याग करना है, कर्म का त्याग नहीं। तो पहले जीवन के दर्शन में स्थिर हो जाना पड़ेगा। आमरण, जब तक हम जिएंगे तब तक हमको कर्म तो करना ही है, इसलिए कि कर्म किए बिना मनुष्य एक क्षण भी नहीं रह सकता। तो कर्म छोड़ने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। बहुत बार हम कर्म से भागना चाहते हैं, बहुत से लोग हम लोगों के पास आते हैं, आश्रम में आते हैं, दूसरे साधुओं के पास जाते हैं कि महाराज हम आश्रम में आके रहना चाहते हैं। अच्छा भाई क्यों रहना चाहते हो, आपका घर है, परिवार है, सब कुछ है। तो अंतर मन तो निकल ही जाता है, अरे महाराज आप गृहस्थ नहीं, आप क्या जाने घर की झंझट क्या है। तो मैं उनसे कहता हूँ भैया यही बात मैं भी कहता हूँ, तुम क्या जानो कि सन्यासी की झंझट क्या, सन्यासियों को कितना कष्ट करना पड़ता है। तो झंझट तो सब जगह, ये हमारी वृत्ति पर है, हमारा अप्रोच किस प्रकार, हमारा दृष्टिकोण है कर्म के प्रति, संसार के प्रति, अपने प्रति, उससे हमको संसार झंझट लग सकता है तो आश्रम भी झंझट लग सकता है। कर्म के प्रति अगर ये झंझट की बुद्धि रही तो पूजा करना भी बड़ी झंझट है। सवेरे से उठ के घंटी बजाओ, पूजा करो, क्या बताएं मैं, फुर्सती पुजारियों से सुना है मैंने। तो देखिए जब हम अपने कर्म को छोड़ना चाहते हैं तो हम गलत मार्ग पर हैं, उसके द्वारा हमें त्याग का फल नहीं मिलेगा। कर्म त्यागने से मन में शांति नहीं मिल सकती, मन की शांति तो कामनाओं के त्याग से ही होगी। और ऐसी कामनाएं मनोगतान मन में जो प्रविष्ट हो गई हैं, इन कामनाओं को छोड़ने से ही हमें शांति मिलेगी। यहाँ एक मनोवैज्ञानिक प्रश्न हमारे सामने आता है, हम सबके जीवन का अनुभव आपका मेरा सभी का, कि आज तक जीवन में हमें कामनाओं की पूर्ति से सुख मिला है। भूख लगी, भोजन किया तो अच्छा लगा, इच्छा हुई रविवार का दिन है, कोई मित्र अच्छी मिठाई खिलाए, मिठाई खाने की कामना हुई, मिठाई खा लिया तो सुख मिला। चलो अभी दशहरे दिवाली की छुट्टी आ रही है, इच्छा हुई कहीं घूमने जाएंगे तो हिमालय की तरफ जाएं, बम्बई जाएं, कल के जिसकी जैसी रुचि समुद्र तट में जाएं। तो बम्बई गए, हिमालय गए, समुद्र तट में गए, कामनाओं की पूर्ति हुई तो सुख मिला, किंतु कैसा सुख मिला। मान लीजिए आप बम्बई गए, बम्बई शहर आपने देखा, फिर वो जुहू तट में गए और दूसरा एक और वहाँ का बीच है, क्या नाम है उसका, इधर ये एरोड्रम की तरफ, बम्बई एरोड्रम की तरफ है, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, अभी नहीं आ रहा है दिमाग में, शांता क्रूज से आगे है, तो उधर गए। तो वहाँ जाकर सब जब देखा तो मन में ये निश्चय हुआ कि भाई इस बार तो 3 ही दिन की फुर्सत मिली, अगली बार 7 दिन के लिए आएंगे, और जब आएंगे तो समुद्र स्नान करेंगे, उसका ड्रेस बनवा के आएंगे, अमुक इन लोगों का नट नटियों का सिने नट नटियों का मोहल्ला उधर है, उसको जाके देखेंगे। तो एक कामना ने अनेक कामनाओं को जन्म दिया। कामना का ये स्वभाव है कि एक कामना अनेक कामना को जन्म देती है। शिम्बु शिम्बु जैसे थे कि उनको जब देवता मारते थे तो उनकी एक बूंद रक्त जब पृथ्वी में पड़े तो उससे 1000 पैदा होते थे। एक कामना की पूर्ति हुई तो वो दूसरी कामनाओं को जन्म देता है। पर आज तक का अनुभव यही है कि कामना की पूर्ति से क्षणिक सुख तो मिलता ही है। तो अब कामना की पूर्ति को अगर छोड़ दें, कामना की पूर्ति न करें, तो जीवन शून्य हो जाएगा, जीवन में कोई सुख नहीं मिलेगा। और सुख अगर न मिले
तो मनुष्य अकर्मण्य हो जाता है, रह नहीं सकता। जो कुछ करते हैं सुख प्राप्ति के लिए करते हैं, संतोष पाने के लिए करते हैं। ऐसा संभव नहीं है कि मनुष्य ऐसा कोई कर्म करे जिसमें उसको सुख की अनुभूति न हो, ये जानते हुए ऐसा कर्म करे। तो भगवान दूसरा मनोवैज्ञानिक सत्य हमें बताते हैं कि अच्छा ठीक है, तुम अपने कामनाओं की पूर्ति को छोड़ोगे तो दूसरी महापूर्ति में बताता हूं, आत्मनि एव आत्मना तुष्टः। तुम अपनी कामनाओं को अगर त्यागोगे तो अपनी आत्मा में अपने आप से संतोष प्राप्त करोगे, तब तुम्हारी प्रज्ञा स्थित होगी। यहां एक दूसरा और मनोवैज्ञानिक सत्य हमारे सामने आता है, हम अपने आप में और अपने आप से संतुष्ट नहीं। विचार करके आप देखिए, हम संतुष्ट हैं अपने से? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। महा असंतोष अपने विषय में है, अपने रूप के विषय में, अपने रंग के विषय में, अपनी संपत्ति, जो कुछ हमारे पास है उससे हम संतुष्ट नहीं। ऐसा और हो जाता, जो कुछ हम हैं उससे भी संतुष्ट नहीं है। एक व्यक्ति संगीतकार है तो लगता है अरे क्या बताऊं, खाली संगीत है, इस संगीत के साथ मुझे वादन का भी थोड़ा ज्ञान रहता तो बड़ा अच्छा होता। जो असंतुष्ट है कि केवल गाना जानता हूं, बजाना नहीं जानता हूं। गाना और बजाना सीख लिया, किसी ने कहा कि आप संगीत के आचार्य हैं, मुझे जरा कथक नृत्य के ये इसके बारे में बता दीजिए, धक से मन में लगा कि अरे मैं तो जानता नहीं हूं, नृत्य के विषय में भी कुछ जानता तो अच्छा रहता। तो दैनिक व्यवहार से हमें ये अनुभव होता है, घर परिवार में अपनी गृहस्थी से, अपने घर से, क्या ऐसे गृहस्थ आप सब लोग और सभी लोग पूर्ण संतुष्ट हैं? अगर आप सूची बना के देखेंगे तो असंतोष की सूची बहुत लंबी है, संतुष्ट होने की सूची तो बहुत छोटी है। तो ये जान के रखना चाहिए कि हम जब तक अपने आप में अपने से तुष्ट नहीं होंगे, हम स्थित प्रज्ञ नहीं होंगे और वो परमानंद नहीं मिलेगा। तब इसकी प्रक्रिया क्या है? मन की संपूर्ण कामनाओं को छोड़ दो। बात सुनने में तो बड़ी सरल लगती है पर व्यवहारिक जीवन में बड़ा कठिन है। गीता में 14वें अध्याय में गुणों का वर्णन है, सत्व रज तीन आदि गुणों का। हम अपने जीवन के अनुभव से भी देखें, सामान्यतः हम अपनी कामनाओं को पहले दो भागों में बांट सकते हैं, शुभ कामनाएं और अशुभ कामनाएं, अच्छी इच्छाएं और बुरी इच्छाएं। तो सबसे पहले साधक को आत्मनिरीक्षण के द्वारा ये देखना पड़ेगा कि हमारे जीवन में कितनी शुभ कामनाएं हैं और कितनी अशुभ कामनाएं। साधना का प्रारंभ निवेदन किया गया है कि जो महापुरुषों के लक्षण हैं आपके हमारे लिए वो साधना है। तो भगवान ये कह रहे मनोगतान कामान, मन के भीतर जो कामनाएं हैं उनको छोड़ना है। तो अपने मन के भीतर की कामनाओं को तो सिवा मेरे और कोई नहीं जान सकता है, तो अपने मन को पहले देखना पड़ेगा। कामनाओं का त्याग करने के लिए ये पहली शर्त है कि कामनाओं से परिचित तो हो। और ये कामनाएं क्योंकि बाहर नहीं होती हैं, कामनाएं मनोगतान है, मन में है, तो साधक या साधिका को मन को देखने का अभ्यास करना पड़ेगा। कभी भी समय निकाल कर 24 घंटे में जब आपको समय मिले, थोड़ी देर 5-7-10 मिनट बैठकर, जैसे हम दूसरी चीज़ों को, संसार को देखते हैं, टीवी देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, बाजार देखते हैं, उसी प्रकार आँख बंद करके विचार के द्वारा शांति से अपने ही मन के भीतर की कामनाओं को, इच्छाओं को देखना पड़ेगा। पहले पहल इतनी भीड़ लगेगी, अनंत इच्छाएं हैं, बड़ा कठिन लगेगा, किंतु धैर्य पूर्वक, क्योंकि हमने ये निश्चय किया है कि हम स्थित प्रज्ञ होंगे, इसी जीवन में हम दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति कर लेंगे और परमानंद की प्राप्ति करेंगे, ऐसा निश्चय, ऐसा संकल्प हमारे मन में है, तो क्या करेंगे, अपने मन को देखेंगे। अब देखते देखते हमें शुभ और अशुभ दोनों कामनाओं का परिचय होगा। आप सब सत्संगी हैं, आध्यात्मिक जीवन में आपकी रुचि है, ईश्वर की ओर आप जाना चाहते हैं, इसलिए आप हम सब के लिए अशुभ कामनाओं को पहचानना कठिन नहीं।
तो पहले जो अशुभ कामनाएं दिखती हैं, अशुभ कामना क्या है, सामान्य उसकी परिभाषा क्या है, जो कामनाएं जो इच्छाएं हमें संसार की ओर प्रेरित कर रही हैं, इंद्रिय भोगों में डुबा रही हैं या उस ओर खींच रही हैं, वो अशुभ कामनाएं। केवल लंपटता, जुआ, चोरी, व्यभिचार, शराबखोरी, यही अशुभ कामना है, ऐसा नहीं है। किंतु यदि हमारे मन में संसार के प्रति मोह तीव्र हो रहा है, कामनाएं मोह से होती हैं, इसीलिए मोह कलिल से निकलने की बात भगवान कह रहे हैं, मोह रूपी कीचड़ से निकलो, तो हमारे मन में मोह के कारण भी बहुत सी कामनाएं, अशुभ कामनाएं आती, तो इन कामनाओं से परिचय प्राप्त करना पड़ेगा। परिचय प्राप्त करने के पश्चात धीरे धीरे पहले अशुभ कामनाओं को छोड़ें। जो कांटा पैर में चुभा है, गड़ रहा है, चुपचाप बैठ जाएं, पहले उस कांटे को तो निकालें, फिर उसके बाद देखेंगे उसके और भीतर क्या दोष हैं, क्या परिणाम हैं। तो जिन कामनाओं से आप हम परिचित हैं कि ये दोषपूर्ण है, इससे मेरे जीवन में कष्ट हो रहा है, उनको छोड़ना शुरू करें। तो सबसे पहले तामसिक कामनाओं को, जो एकदम घटिया दर्जे की इच्छाएं हैं, हम सब, आप हम सब, मैं भी उसमें सम्मिलित हूँ, षड्रिपु से पीड़ित हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि इन वासनाओं से हम पीड़ित हैं, तो इसमें निद्रा, आलस्य, तंद्रा, अत्यंत भोग वृत्ति, ईर्षा, द्वेष, क्रोध, इस प्रकार की जो हीन भावनाएं, हीन कामनाएं, तमस प्रधान कामनाएं हैं, पहले उन तमस प्रधान कामनाओं को छोड़ना चाहिए। तमस प्रधान कामनाओं को छोड़ेंगे तो फिर रजस प्रधान कामनाएं, राजसिक गुण, ऐसा कर लूंगा, वो करूंगा, ये संग्रह करूं और एक से एक काम करने की योजनाएं बनाऊं, दिन रात किसी न किसी योजना में, परिकल्पना में, इस प्राप्ति की, ऐसी प्राप्ति की इच्छा, वैसी प्राप्ति की इच्छा, विभिन्न प्रकार राजसिक गुणों के कारण संसार के सुख भोगने की, मान सम्मान की, पदवी की इच्छाएं जागृत होती हैं। तो जो राजसिक कामनाएं हैं, उन राजसिक कामनाओं को छोड़ना पड़ेगा। कैसे छूटेगा ये? ये छूटेगा सात्विक कामनाओं को बढ़ाने से। जीवन में सात्विक वृत्ति, सद्विचार, सत्संग, सद्ग्रंथ, ये जब हम करेंगे तो हमारे मन में सात्विक वृत्ति जागेगी। सात्विक वृत्ति जब जागती है तब मन में विवेक और वैराग्य जागता है। तो पहले विवेक जगाना पड़ेगा। विवेक के प्रकाश में ही हम अपनी तामसिक और राजसिक कामनाओं के दोषों को देख सकेंगे। जब तक हमारे हृदय में विवेक का प्रकाश नहीं उत्पन्न होता है, विवेक का दीपक नहीं जलता है, तब तक तामसिक वासना बुरी नहीं लगती है, राजसिक वासना बुरी नहीं लगती है। तो विवेक का दीपक जलाकर हमें तामसिक और राजसिक वासनाओं में दोष देखना पड़ेगा कि नहीं, ये ठीक नहीं है, संसार में इस प्रकार डूबे रहना, पशुवत जीवन व्यतीत करना, ये ठीक नहीं है। विवेक से लगा, और विवेक से जब ये लगा तो उनके दोष देखने के बाद मन में संकल्प लेना पड़ेगा। विवेक से बुद्धि जागती कि नहीं, अब हम इनको छोड़ेंगे। जब इनको हम छोड़ने लगेंगे तो सात्विक वृत्तियां बढ़ने लगेंगी। सात्विक वृत्तियों को पुष्ट करने के लिए सात्विक लोगों का संग, सात्विक कर्म, सात्विक ग्रंथों का पठन, सात्विक चर्चाओं का श्रवण, ऐसा जब हम करेंगे तो वो प्रकट पुष्ट होगा। अब पुष्ट हुआ तो भगवान ये कह रहे हैं कि मनोगतान सर्वान कामान प्रजहाति, मन के भीतर की सभी कामनाओं को त्याग करता है। आदर्श वही है, तमस से रज में, रज से सत्व में, और अंत में सत्व गुण को भी त्यागना है, सात्विक इच्छाओं का भी विसर्जन करना है, और सात्विक इच्छाओं का विसर्जन करने की विधि, उसका सबसे सरल उपाय, एक तीव्र सात्विक इच्छा भक्ति प्राप्ति की, भगवान प्राप्ति की या आत्म साक्षात्कार की। तो जब हम आत्म साक्षात्कार की या ईश्वर प्राप्ति की या परम भक्ति प्राप्ति की इच्छा को तीव्र करेंगे तो हमारी सात्विक कामनाएं भी उसमें विसर्जित हो जाएंगी, और तब हम उस परम पद को प्राप्त कर सकेंगे।
तो उस परम पद को प्राप्त करने के लिए, स्थित प्रज्ञ होने के लिए, समबुद्धि होने के लिए, अंत में सात्विक गुण को भी हमें छोड़ना पड़ेगा, उसके भी ऊपर जाना पड़ेगा। किंतु वह स्थिति आने के पहले हमें तामसिक और राजसिक कामनाओं को त्यागना है। तो क्या होगा जब सात्विक गुण के भी ऊपर जाएंगे? आज हमारे जीवन का सारा सुख, सात्विक सुख भी हमारी इंद्रियों और विषयों के संयोग से या मन के संयोग से है। हमारा सुख बाह्य वस्तु व्यक्ति आदि पर निर्भर है। जितना भी सुख हमें जीवन में मिल रहा है, वह बहुत बार लोग ऐसा कहते हैं, हमको महाराज कोई बाहर की चीज़ों की आवश्यकता नहीं, हमारी पुस्तक उसमें हम डूबे रहते हैं। अरे भाई, पुस्तक भी तो बाहर की चीज़ है। फिर कुछ लोग कहते हैं, हम जो कुछ हमने पढ़ा हम उसी का चिंतन करते हैं, चिंतन में डूबे रहते हैं। तो चिंतन भी तो एक बाहर की वस्तु है। चिंतन की सामग्री अगर आत्मा से भिन्न अन्य कोई सामग्री हो तो बाहर की है। तो इस प्रकार का चिंतन आध्यात्मिक साधना में सहायक तो हो सकता है, किंतु चरम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं करा सकता। चरम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं है, चरम लक्ष्य की प्राप्ति तो सभी प्रकार के चिंतनों से ऊपर उठकर आत्मा में ही संतुष्ट होना चाहिए। आत्मा से भिन्न, अपने आप से भिन्न संतुष्ट होने के लिए मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता ना हो, किसी व्यक्ति की आवश्यकता ना हो। बहुत कठिन बात। अब इस पर थोड़ा विचार करके देखें। आइए, जब हम एकदम अकेले रहते कितनी ऊब आती। मनुष्य सबसे ज्यादा अगर ऊबता है तो अपने आप से ऊब जाता है। रेलगाड़ियों में लंबी लंबी यात्राएं मैं करता हूं तो वहां कितना अपने आप से ऊब जाता है व्यक्ति। खाली अगर बैठना पड़ा थोड़ी देर, इतने सहयात्री हैं, साथ में शायद पति पत्नी यात्रा कर रहे हैं, पर किन्हीं कारणों से अगर चुपचाप बैठे हैं तो एक दूसरे से ऊब जाते। वो तो जीवन भर ऊबे रहते हैं एक दूसरे से, विवशता है साथ रहना, पर उसके बाद अपने आप से ऊब जाते हैं। तो जबरदस्ती किसी से बात करते हैं, किसी से परिचय करते हैं, कोई किताब पढ़ते हैं, या जो भी बिकने को आया वो खाने लगते हैं। क्यों करते हैं? अपने आप में रहने की आदत नहीं है, अपने आप से तुष्ट असंतुष्ट है। तो इस प्रकार की साधना के लिए थोड़ा थोड़ा अकेले में रहने का अभ्यास, घर में ही जहां भी आप रहे थोड़ी देर तो अपने आप के साथ रहे। कुछ नहीं पढ़ेंगे, नहीं लिखेंगे, नहीं टीवी नहीं देखेंगे, सोचेंगे नहीं, दो मिनट चार मिनट चुपचाप बैठ के तो देखें कि भाई जीवन के इतने दिन बीत गए, आखिर हम हैं कौन। ऐसा होता है, अभी परसों ही यहाँ के एक विश्वविद्यालय में जाना हुआ था। उस विश्वविद्यालय के सब विद्वान प्राध्यापकगण थे, तो इस प्रकार चर्चा हो रही थी। तो उस चर्चा में एक प्रश्न के उत्तर में या विषय के प्रतिपादन में ये बात कही गई कि आपके पास क्या है, इससे जीवन में शांति नहीं मिल सकती। कितना धन, कितनी संपत्ति, धन संपत्ति, तो वो विद्वानों का समागम था, इसलिए कहा धन संपत्ति का अधिक बात ना हो। तो मैं PhD हूँ, मैं डिलीट हूँ, ये केवल MSc है, ये केवल MA है, तो ये भी तो बाहर से आई वस्तु है। तो ये सब आपके पास है। जिस दिन मेरा जन्म हुआ तब तो मेरा कोई नाम नहीं था, फिर मेरी माँ ने एक नाम रखा, या दादी ने, या नानी ने, किसी ने एक नाम रखा, तो एक उपाधि जुड़ी, उस उपाधि के साथ हम चले। फिर उसके बाद स्कूल में गए, कॉलेज में गए, कहीं गए तो वहाँ दोस्तों ने और कुछ नाम रखा, घर में भी नाम कोई सुंदर था पुकारू नाम और कुछ लगा दिया। तो चलते रहे, क्या नाम है तुम्हारा? तो मेरा अच्छा नाम ये है, पुकारू नाम ये है। क्या करते हो? 8वीं क्लास में पढ़ते हैं। फिर जब BA पास हो गए तो नाम के आगे BA लिखने लगे, फिर MA लिखने लगे, फिर PhD लिखने लगे। तो ये सारी उपाधियां हमने बाहर से अपने आप में जोड़ के रखी हैं। तो ये तो बाहर की चीजें हैं। कभी हमने ये सोचा क्या कि मैं क्या हूं?
मेरे पास क्या है, डिग्री भी मेरे पास है, धन भी मेरे पास है, घर भी मेरे पास है, पति भी मेरे पास है, पत्नी भी मेरे पास है, तो सब बाहर की वस्तुएं मेरे पास हैं, पर मैं स्वयं क्या हूं ये मैंने कभी सोचा क्या? तो एक बड़े अच्छे सिंसियर अध्यापक थे और प्रश्न हो तो वो आए मंच पर और उन्होंने मुझसे कहा कि स्वामी जी आज पहली बार मेरी आंखें खुली हैं, अब मैं 58 वर्ष का हो गया हूँ, थोड़े दिन में रिटायर होगा, और आज तक मेरे पास मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं क्या हूँ। उनके और दूसरे मित्रों ने बताया कि बहुत सफल है इनका जीवन, सफल बड़े विद्वान हैं, सारी सुविधाएं हैं। तो उसने कहा अब आपके कहने के बाद मुझे लग रहा है कि ये सब व्यर्थ है, मैं क्या हूँ इस पर विचार करूँ थोड़ा। तो फिर उसके बाद और बहुत से अवान्तर प्रश्न आए, एक घंटे तक वो प्रश्नोत्तर चला। तो आज तो उसका अवसर नहीं, मैं यही आपसे निवेदन करूं कि हम अपने आप में संतुष्ट नहीं है, इसलिए संतुष्ट नहीं कि हमेशा अपने से बाहर भागते रहे हैं, अपने से बाहर ही हमने संतोष ढूंढने का प्रयत्न किया है। इसलिए भगवान कहते हैं कि देखो आत्मनि एव आत्मना तुष्टः, आत्मा में, आत्मनि सप्तमी में, और आत्मना आत्मा से मुझे संतुष्ट या सुखी होने के लिए मेरे अतिरिक्त किसी वस्तु की आवश्यकता ना हो, किसी व्यक्ति की आवश्यकता ना हो, किसी विचार की आवश्यकता ना हो, किसी स्थान की आवश्यकता ना हो, पूर्णतः अपने आप में मैं संतुष्ट रह सकूं। अपने आप में संतुष्ट रहने वाली जो बात है वही स्थित प्रज्ञ का लक्षण, स्थित प्रज्ञ तदा उच्यते, उसको स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तो अपने आप में संतुष्ट होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इतनी जो चर्चा हुई उसका मूल यही है कि हमको धीरे धीरे अपनी सारी कामनाओं को छोड़ना पड़ेगा। और ये कामनाएं कैसे छूटेंगी, राजमार्ग उसका है जब हम प्रभु प्रीत्यर्थ काम करते हैं, भगवान आगे बताएंगे। पर वही उपाय है कि जब हम एकदम अनासक्त होकर कर्म करें तब यह समस्त कामनाओं के पीछे मूल कामना वही आत्म साक्षात्कार। मैं दुकान चलाऊं तो आत्म साक्षात्कार के लिए, नौकरी करूं तो आत्म साक्षात्कार के लिए, पढ़ाई लिखाई करूं तो आत्म साक्षात्कार, ईश्वर प्राप्ति, भक्ति जो भी कह लें, प्रत्येक कर्म जब हम इस उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति या आत्म साक्षात्कार या पराभक्ति की प्राप्ति के लिए करने लगेंगे तो हमारी कामनाएं ईश्वराभिमुख होने के कारण, आत्माभिमुख होने के कारण अपने आप में तुष्टि देंगी। यही उपाय है, तो जीवन में इसी का प्रयत्न करना है। आज 55वां श्लोक समाप्त हुआ, आगामी रविवार 56वें श्लोक हम देखेंगे। अब इन श्लोकों में भगवान ने जो लक्षण बताए हैं उसकी साधना के संबंध में विचार करने का हम प्रयास करेंगे। आगामी रविवार आप सब सादर आमंत्रित हैं, आज यहीं समाप्त। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।